हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्क्स लिबर्टीज न्यूज़। सो गाइस, आज हम इससे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं। अलीज़े फातिमा फिरोज़ खान की अहलिया ने अपनी तलाक को लेकर बयान दे दिया। 4 साल से शौहर का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलते हमें अपनी इस वीडियो की जाने। फिरोज खान और अलीज़े सुल्तान की तलाक हो गई। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही थी कि दोनों की तलाक हो गई। फिरोज ने बच्चे को हासिल करने के लिए कोर्ट से रुजू कर लिया, जिस पर फिरोज ने ना कोई जवाब दिया और कहा कि मैं अभी इस खबर को ना तर्दीद कर सकता हूँ और ना ही इस पर कोई हिमायती जवाब दूंगा। लेकिन अब अलीज़े सुल्तान ने अपनी शादी और तलाक और जाती जिंदगी से मुतालिक एक ऐसी हकीकत बता दी कि मदहा भी रो पड़े। फिरोज खान की अहलिया ने अपनी तलाक को लेकर बयान दिया कि हमारी 4 साल की शादी में सिर्फ जहनी अजियत उठाई। फिरोज खान मुझे मारता था, जहनी अजियत और जिस्मानी अजियत देता था। फिर बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंची कि मैं पूरी जिंदगी ऐसी हौलनाक अजियत नहीं झेल सकती। फिर तलाक ले ली। फिरोज खान एक नफ्सियाती इंसान है। मुझे अपने शौहर के हाथों सिर्फ बेवफाई, तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करना पड़ा और मजीद इस फैसले में मेरे बच्चों की फलाह बहबूद के मेरे बच्चे इस ऐसे माहौल में परवान नहीं चढ़ सकते, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। सो गाइज, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा।